सत्य साईं बाबा के भक्तों ने मंदिर शहर में सत्य साईं बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सत्य साईं सेवा संगठन मंडी के दर्जनों भक्तों ने भाग लिया और साईं बाबा की पालकी उठाकर मंडी शहर की परिक्रमा की। मंडी शहर में साईं बाबा का जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी शहर में सत्य साईं सेवा संगठन मंडी द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर लोगों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। भजन कीर्तन करते हुए पूरे मंडी शहर की परिक्रमा की। शोभा यात्रा के दौरान सत्य साईं बाबा के भक्तों ने बताया कि सत्य साईं बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली गई है। शहर में सत्य साईं बाबा की पालकी की परिक्रमा करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। सत्य साईं बाबा की पालकी परिक्रमा में 11 देवी देवताओं ने भाग लिया। वहीं सत्य साईं बाबा के भक्तों ने बताया कि सत्य साईं बाबा द्वारा बाल विकास अभियान शुरू किया गया था। इस उपलक्ष्य पर उनके जन्मदिन के अवसर पर बच्चों द्वारा रैली में भाग लेकर उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सत्य साईं बाबा के 12वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज पालकी उत्सव का यहाँ मंडी सेवा समिति की ओर से आयोजन किया जा रहा है। हफ्ता भर से चले हुए इन प्रोग्रामों में जो है कई सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पे किए, जिसमें कि बच्चों के द्वारा जो है नैतिक शिक्षा पे, महिलाओं के द्वारा बेटी बचाओ आंदोलन और जो हॉस्पिटल सेवाएं वगैरह, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ किए हैं। सत्य साईं सेवा समिति की तरफ से कल श्री सत्य साई बाबा जी का 12वां बर्थडे है और ये पूरे विश्व में कल के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम मंडी जिला में भी आज इसे मना रहे हैं। जी जी, ये झांकी हम साई बाबा जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में निकालते हैं। लोग हमने यहाँ पे कुछ लोकल देवी देवताओं को इनवाइट किया होता है कि हमारे आगे जो है ना बाल विकास के बच्चे हैं। एक बाबा ने स्टार्ट किया था बाल विकास, वही बच्चों को स्कूलों में एजुकेशन तो मिल जाती है पर उनको आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं मिलती, उनका कैरेक्टर नहीं होता। इस वजह से आगे आगे हमारे साई बाबा जी के बच्चे हैं ये बाल विकास के, उसके पीछे फिर हमारे साई की होती है।